बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा ये मौका है कि कराची को किसी भी सूरत में सिंध से, ये एक मैं कहता हूँ एक ऐसा मामला है कि वफाकी जो साजिश है या किसी भी इदारे की साजिश है, तो हम किसी सूरत में सिंध और कराची को किसी सूरत में अलग नहीं करना चाहते और ना वफाक की ये जो साजिश है कुछ लोगों की किसी सूरत में कबूल नहीं है, क्योंकि भाई कराची और सिंध लाजिम और मलजूम है। दूसरी बात है, कराची अल्लाह का शुक्र है 70 से 80% रीन्यू देता है पूरे मुल्क में। इससे पहले अगर आप जब दारुल हुकूमत थी तो वो तो हमें कबूल था, तो फिर सारी चीजें भी इधर लाए कराची में। अब ये कि इसका मतलब ये है कि कराची को वफाक के कंट्रोल में देना, अगली जब किसी भी हुकूमत आएगी पंजाब में जिसकी ना, फिर उनके उनके कंट्रोल में कराची के मामला आए, तो हम किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आप कारकुनों के जज्बात का भी पता है कि ये इस गर्मी में हर चीज को, और ये एहतजाज बढ़ेगा रोज बरोज। और ये जो पीटीआई ने ये जो जितने वादे किए थे वो बजाय वादे करने के मुल्क को नुकसान देना चाहते, इकाइयों में फर्क आना चाहते, 18वीं तरमीम को नुकसान देना चाहते, जो छोटे सूबों के हकूक है, जो एक साजिश, अब आपको हम किसी के खिलाफ नहीं है लेकिन एक साजिश, जैसे लोग जो ना अब जाहिरी बात है पंजाब के खिलाफ बात करते हैं, छोटे सूबों के तहफात हैं, कराची के तहफात हैं, तो मेरे भाई आपने 18वीं तरमीम से मुल्क को मजबूत किया, छोटे सूबों के हकूक हमने दिलवाए। अब उन चीजों में अगर कोई गड़बड़ करेगा, वफाक हो या कोई भी इदारा हो, हम किसी सूरत में यह हमें कबूल नहीं है। और कराची सिंध ये इंशाल्लाह ताला ये जो हमें इंतजामिया अमलात में कमी बेशी, इंशाल्लाह कराची में हम बैठ के आपस में ये सारे मसले हल कर लेंगे, लेकिन वफाक को किसी सूरत में ये मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है और ना हमें मंजूर है। और ये हम खुला पैगाम देना चाहते हैं और ये एहतजाज तो सिर्फ आज वक्ती तौर पर। और आप क्यों वैसे इस मुल्क में आप लोगों ने जितने वादे किए थे, महंगाई कहां तक पहुंच गई है, बेरोजगारी कहां तक पहुंच गई है, वो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो खुदा रा आप मुल्क को और तकसीम और ऐसी चीजें ना करें जिससे मुल्क को नुकसान हो, सूबों को नुकसान हो, शहर को नुकसान हो, वैसे ही लोग परेशान हैं। तो इंशाल्लाह ताला और मैंने वही बात की है, तो इंशाल्लाह ताला किसी सूरत में किसी को कबूल भी नहीं है। और अभी ये एहतजाज तो एहतजाज अभी सिर्फ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और ये एहतजाज आप देख लेना कि इस्लामाबाद के ऐवानों तक पहुंचेगा। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।